तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की सारी अपकमिंग मूवीज के बारे में, जिनकी आने वाली फिल्में 2024 से 2025 तक रिलीज कर दी जाएंगी। अगर आप सारा अली खान के फैन हो तो वीडियो का अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कत्ल करते हैं वो दिखते कैसे हैं, जैसे साउथ दिल्ली की कोई शहजादी। फर्स्ट नंबर पर है मर्डर मुबारक, एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं होमी अडाजानिया, जिन्होंने कॉकटेल, फाइंडिंग एनी, सास बहु और फ्लेमिंगो जैसी वेब सीरीज और फिल्में बना चुके हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान, विजय वर्मा, डिंपल कपाड़िया, करिश्मा कपूर, संजय कपूर, टिस्का चोपड़ा और सुहेल नायर इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। और ये फिल्म 15 मार्च 2024 को डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर किया जाएगा। इस फिल्म को मैडम फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। नमस्ते देशवासियों, तैयार हो जाइए अंग्रेजों से आजादी की आखिरी लड़ाई के लिए। मैं हूं उषा और ये है देश का रेडियो। सेकेंड नंबर पर है आए वतन मेरे वतन, एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर है कन्नन नैयर। फिल्म में सारा अली खान लीड रोल में नजर आएंगे। वही सचिन खेड़कर, स्पर्श श्रीवास्तव, आनंद तिवारी, बेनेडिक्ट गैरट, एलेक्स ओनील और अभय वर्मा सपोर्टिंग रोल से नजर आएंगे। और तो और इमरान हाशमी फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे, जिनका कैरेक्टर एक सोशल पॉलिटिकल लीडर का होने वाला है और उनके कैरेक्टर का नाम है राम मनोहर लोहिया। और ये फिल्म रियल स्टेंट पे बेस्ड है। इस फिल्म की स्टोरी 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन पे बेस्ड होने वाला है। फिल्म में सारा अली खान उषा मेहता के रोल में नजर आएंगे, जो इंडियन इंडिपेंडेंस के फाइट के टाइम पे एक सीक्रेट रेडियो के ऑपरेटर थी। इस सर्विस रेडियो की मदद से उन्होंने उस टाइम पे वो सारे इन्फॉर्मेशन और न्यूज शेयर किए जिस पर अंग्रेजों ने बैन लगाया था। इस फिल्म को दाराब फरूकी ने लिखा है और ये फिल्म 21 मार्च 2024 को डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रीमियर किया जाएगा। इस फिल्म को ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। यह हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। थर्ड नंबर पर मेट्रो इंदिरो, एक एंथोलॉजी होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अनुराग बासु, जिन्होंने लाइफ इन मेट्रो, बर्फी और लूडो जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, अनुपम खेर, कोकना सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना से एक लीड रोल्स में नजर आएंगे। और 2007 में आई फिल्म लाइफ इन मेट्रो का सीक्वल होने वाला है। फिल्म का म्यूजिक कंपोज करेंगे प्रीतम। इस फिल्म को टेस्टीज फिल्म्स और अनुराग बासु प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया जा रहा है और ये फिल्म 13 सितंबर 2024 को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। फोर्थ नंबर पर है स्काई फोर्स, एक एरियल एयरफोर्स ड्रामा फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संदीप केवरानी और अभिषेक कपूर। संदीप केवरानी जो रनवे 34 और भोला फिल्म के स्क्रीन राइटर रह चुके हैं और अभिषेक कपूर फिल्म भेड़िया के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। अभिषेक कपूर ने अमर कौशिक, लक्ष्मण उत्तेकर, राजेंडी के और नितेश तिवारी को असिस्ट कर चुके हैं और ये दोनों ही डायरेक्टर्स की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार, निमरत कौर, सारा अली खान और वीर पहाड़िया लीड रोल्स में नजर आएंगे। इस फिल्म से वीर पहाड़िया बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट का रोल प्ले करते नजर आएंगे और ये फिल्म सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड होने वाली है। इस फिल्म की स्टोरी 1960 से 1970 में सेट है, जो उस एरा के इंडियन एयरफोर्स के विक्ट्री को सेलिब्रेट करेगी। इस फिल्म को 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के मौके पर थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म को दिनेश विजन की मर्डर फिल्म्स और जी स्टूडियोज के बैनर तले बनाया जा रहा है। ये निमरत कौर और सारा अली खान का अक्षय कुमार के साथ सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला है। इससे पहले निमरत कौर एयरलिफ्ट और सारा अली खान अतरंगी रे में अक्षय कुमार के साथ नजर आ चुकी हैं। हैप्पी बर्थडे शगुन। थैंक यू। मस्त है ना? एकदम। डायरेक्ट कब्रिस्तान से उठा के लेके आया। क्या जोक, फ्रेश एकदम। फिफ्थ नंबर पर है सिम्बा 2 और 2018 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म सिम्बा का सीक्वल होने वाला है। फिल्म में रणवीर सिंह और सारा अली खान लीड रोल्स में नजर आए थे और सीक्वल में भी यह स्टार कास्ट होगी। फिल्म में रणवीर सिंह एक बार फिर से संग्राम भालेराव का सिम्बा का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और सारा अली खान संग्राम भालेराव की गर्लफ्रेंड शगुन साठे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में अजय देवगन, एस सिंघम और अक्षय कुमार एस सूर्यवंशी के रोल में नजर आ सकते हैं, वो भी कैमियो में। और ये फिल्म 2025 के एंड में फ्लोर पे जा सकती है। इन फिल्मों के अलावा मैडम फिल्म्स कॉकटेल का सीक्वल लेके आने वाली है, जिसमें सारा अली खान और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आ सकते हैं। वही मेल स्टार की कास्टिंग अभी भी हो रही है। सो गाइस, ये थी बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की अपकमिंग मूवीज की कंप्लीट लिस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।